तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग एक जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस जिसमें आपका जेल प्रहरी वन रक्षक का भी एग्जाम शामिल है और जेल अधीक्षक का भी एग्जाम शामिल है दोनों एग्जाम के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि ये दोनों एग्जाम एक ही शिफ्ट में शाम को हुए थे ठीक है चलिए आज के जो प्रश्न भेजे हैं रोहित द्विवेदी जी इनका सुबह भी एग्जाम था इन्होंने सुबह भी काफी सारे प्रश्न भेजे थे और शाम को भी इन्होंने काफी सारे प्रश्न भेजे हैं इसके अलावा दीप्ति दुबे जी इन्होंने भी सुबह काफी प्रश्न भेजे थे शाम को भी इन्होंने काफी प्रश्न भेजे हैं उसके अलावा सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी इन्होंने भी काफी प्रश्न भेजे हैं आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने प्रश्न को भेजा आपका भी किसी शिफ्ट में अगली किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को सेवन जीरो फोर सेवन डबल जीरो पर जरूर से जरूर भेज दीजिए कि देखिए रोज आप लोग एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम छूटता है आप लोग प्रश्नों को भेजते ही नहीं है और सोचते हैं अपना काम तो हो गया आप क्या करना लेकिन भाई जैसे ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं एग्जाम को भेज करके भले इनका पेपर कैसा भी गया हो पर इन्होंने प्रश्नों को तो भेजा आपके लिए ऐसे ही आपका भी एग्जाम अगर छूटता है तो कैसा भी आपका पेपर गया हो लेकिन आप उन प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेज देंगे एक घंटे के अंदर ठीक ठीक है ना तो आगे से ध्यान रखिएगा आपने जितने भी प्रश्न आपको याद हो दो तीन चार पांच जितने प्रश्न आपको याद हो आप उन प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर सेंड कर देंगे ठीक है व्हाट्सएप कर देंगे कॉल नहीं करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा लास्ट में आपको ये भी बताने वाले कि टॉप फाइव स्कोर हमें कौन कौन से मिले हैं चलिए शुरुआत करते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि लास्ट तक हम एग्जाम एनालिसिस आपका करवाने वाले हैं और कल आप वो करंट अफेयर की वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं सुबह ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जीके जी एस साइंस की बात करेंगे फिर मैथ की फिर आपकी इंग्लिश की फिर आपकी हिंदी की ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है भारत में 2022 तक कुल कितने यूनेस्को विरासत स्थल है यानी 2023 की बात इसमें नहीं की गई है तो करंट का बिल्कुल आपको नहीं बताना है 2022 तक का बताना है तो 2022 में कुल 40 विश्व विरासत स्थल थे कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं तो देखिए भारत में कुल 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं जिनमें ताजमहल लाल किला एवं अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं। इनमें से देखिए आप इस यहाँ से पूछेंगे प्राकृतिक कितनी है ठीक है ना कितनी सांस्कृतिक है तो कुल सात प्राकृतिक जो स्थल हैं बत्तीस आपके सांस्कृतिक स्थल हैं और एक आपका मिश्रित स्थल है ये तीनों आपको याद रखना क्योंकि यूनेस्को से डेली एक से दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यूनेस्को के ऊपर हम कल या शाम तक कोई एक वीडियो बना देंगे ठीक है यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूनेस्को से ठीक है चलिए भारत में पहली बार एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था ये भी आपको याद रखना ये प्रश्न भी आगे बनेगा यूनेस्को आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है तीन चार प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएंगे इसीलिए आपसे कहते हैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए हमारा एग्जाम एनालिसिस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन हम बताते हैं यहीं से काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं ठीक है इसलिए हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि आपको प्रश्न बताकर निकल जाए हमारा काम है आपको प्रश्न बताएंगे प्रश्न के बारे में डिटेल जान में जानकारी देंगे और इससे संबंधित आगे कौन सा प्रश्न बन सकता है वो भी हम आपको बताते हैं ठीक है इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विटामिनों की कुल कितनी संख्या टोटल संख्या आपसे पूछा है तो सही आंसर आपका तेरह हो जाएगा ऑप्शन में छह भी दी हुई थी लेकिन याद रखना कुल विटामिनों की संख्या तेरह है कौन कौन सी है आइए देख लेते हैं तेरह आवश्यक विटामिन है जैसे कि विटामिन ए सी डी ई e, के और बी ये आपके मेन विटामिन हो गए उसके बाद में थाइमिन हो गया राइबोफ्लेविन हो गया नियासिन हो गया पेंटाथोनिक एसिड हो गया बायोटिन हो गया बीसिक्स हो गया बिटल हो गया फोलेट ये आपके कुल मिलाकर के तेरह विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं ठीक है जिनमें से विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन और खनिजों को आवश्यक पोषक तत्व तो माना जाता है क्योंकि एक साथ काम करते हुए वे शरीर में सैकड़ों भूमिकाएं निभाते हैं ठीक है अब देखिए अभी तक विटामिन से प्रश्न पूछा रहा था भाई विटामिन कौन सा जल में मिले है कौन सा बसा में मिले है अब और विटामिन में और अंदर चले गए कुल कितने विटामिन है अब आपसे विटामिन का नाम भी पूछा जाएगा विटामिन का रासायनिक नाम भी पूछा जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आपका एग्जाम आगे बढ़ता जाएगा आपको कठिन प्रश्नों से होकर के गुजरना पड़ेगा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं जैसे कोई नया टॉपिक आपका ऐड होता है तुरंत उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे जैसे करंट अफेयर आपका ऐड हुआ है कुछ अच्छे टॉपिक मतलब जनवरी फरवरी अप्रैल मार्च ये चार जगह की जो है आपकी करंट अफेयर पूछी जा रही है तो कल सुबह आपको जनवरी का करंट अफेयर मिलने वाला है फरवरी का भी कल मिल सकता है ठीक है ना इसके बाद में कोई भी नया टॉपिक ऐड होगा हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे चलिए लाल किले को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया लगातार तीसरी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है सही आंसर हो जाएगा उन्नीस में आगरा के लाल किले को आगरा के लाल किले को उन्नीस में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया दिल्ली का पूछा जाता तो दिल्ली का दो में ठीक है तो देखिए आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है लाल किले को विश्व विरासत स्थल में उन्नीस में घोषित किया गया था महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं को भी उन्नीस में शामिल किया गया था दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दिल्ली के लाल किला आगे पूछ सकते हैं तो दिल्ली के लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापित शैली मौजूद है किले को 2007 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था तो दिल्ली के किले को कब 2007 में शामिल किया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लद्दाख के किस पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है तो हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है यहाँ पर आपको हिम तेंदुआ देखने को मिल जाएगा ठीक है और लद्दाख का जो राष्ट्र राजकीय पशु है वो भी हिम तेंदुआ है देखिए तो हेमिस नेशनल पार्क भारत के गढ़ राज्य के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है इस संरक्षित क्षेत्र के उत्तर में सिंधु नदी का तट है इसका नाम प्रसिद्ध मठ हेमिस गोम्पा के नाम पर रखा गया है जो ले से चालीस किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है या हिम तेंदुओं की विशाल आबादी का स्थल है अब याद रखना हेमिस गोम्पा कहाँ पर है ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हेमिस गोम्पा आपका लद्दाख में स्थित है यह भी आपको याद रखना एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको मिल गया ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए कौन सा पौधा कीटभच्छी पौधा नहीं है यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को नहीं खाता है अब कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देंगे ऑप्शन में आपका कैक्टस दिया था तो कैक्टस जो है वो कीटभच्छी पौधा नहीं है ये जो कैक्टस है ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है इसमें कांटे वगैरह होते हैं नागफनी भी कहीं कहीं पर इसको बोला जाता है देखिए तो कीटभच्छी पौधे कौन कौन से हैं देख लीजिए क्योंकि आगे पूछा जा सकता है सुबह अमरवेल पूछ लिया था तो कीटभच्छी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं वे विभिन्न कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उदाहरण के लिए आपका ड्रोसेरा हो गया नेफेंतीस हो गया डायरोनिया हो गया यू, और यूट्रीक्लोरिया हो गया पिचर पौधा हो गया ये सारे के सारे जो हैं वो कीटभच्छी पौधे हैं और जो कैक्टस है वो कीटभच्छी पौधा नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत भवन में किस भाग को सिनेमा के लिए जाना जाता है याद रखना कुल दो प्रश्न आपके भारत भवन से आए थे एमपी का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे लगभग सात से आठ प्रश्न बीस में से सात से आठ प्रश्न आपके एमपी जीके के पूछे गए हैं ठीक है सुबह भी पूछे गए थे इस टाइम भी पूछे गए थे दोपहर वाली वीडियो में भी काफी अच्छे एम पी के प्रश्न पूछे हैं उसमें भी हमने डिटेल में आपकी एम पी काफी कवर करा देखिए एम पी के जो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं वो आपके एग्जाम एनालिसिस में ही क्लियर हो जाएंगे कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है लगातार आप एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए ये भी आपका साथ साथ में कवर होता जाएगा ठीक है तो उसका नाम है छवि छवि जो है वो भारत भवन में जहाँ पर आपका सिनेमा है उसको छवि कहा जाता है उस भाग को चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं पांच भागों में बांटा गया है दो भाग आज पूछ लिए हैं बाकी के तीन भाग आगे पूछे जाएंगे तो देखिए श्यामला पहाड़ियों पर स्थित भारत भवन राजधानी भोपाल के लिए एक कला केंद्र है तो भारत भवन क्या है एक कला केंद्र है ठीक है भारत भवन के पाँच हैं अब ये पाँच अंग आप पढ़ कर के जाइए अब दो पूछ लिए हैं आगे भी पूछेंगे इनमें से रूपांकर ललित कला का संग्रहालय है रंगमंडल का संबंध रंगमंच से है जो रूपांकर है वो ललित कला का है रंगमंडल का संबंध रंगमंच से है वागार्थ कविताओं का केंद्र अब पूछेगा कविताओं का केंद्र कौन सा है तो वागार्थ है ठीक है अनहद जो है वो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है पूछेगा अनहद किसका केंद्र है तो शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र अनहद है उसे अनहद कहते हैं जबकि जो छवि है छवि को सिनेमा से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए जाना जाता है ठीक है तो छवि को किस लिए जाना जाता है सिनेमा को यही आपसे पूछा है कि सिनेमा को जो है सिनेमा के लिए भारत भवन के किस भाग को जाना जाता है तो छवि को सिनेमा के लिए जाना जाता है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं चलिए तो अपनी स्थापना के समय से ही भारत भवन कला केंद्र के रूप में अपनी जो है पहचान बनाता आया है ठीक है भारत भवन कहां पर है भोपाल में है यह प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं जाती है आपसे पूछा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है तो जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है किस किस राज्य से गुजरती है वो देख लीजिए अब देखिए आपको ये तो मिला नहीं कि जम्मू कश्मीर दिया था ऑप्शन या फिर नहीं अब किस किस से होकर के गुजरती है वो हम आपको बता दे रहे हैं उसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा देखिए तो भारत में कर्क रेखा कुल आठ राज्यों से ये भी आपको याद रखना कितने राज्यों से आठ राज्यों से होकर गुजरती है कौन कौन से हैं गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा तथा मिजोरम इन राज्यों से होकर के गुजरती है इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है एक हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पर जम्मू कश्मीर को ले लिया है ठीक है तो चलिए याद कैसे रखेंगे तो मित्र पर गमछा झार हमने ट्रिक भी आपको कई बार बताई है पहले पटवारी में आया था ये तब भी मैंने बताया था मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो ये सारे के सारे आपको याद रहेंगे कि कौन कौन से राज्य से होकर के आपकी रेखा गुजरती है ठीक है चलिए भारत भवन के किस वर्ग का संबंध रंगमंच से है ठीक है तो किस भवन का संबंध रंगमंच से है अभी ऊपर ही आपको करा करके आ रहे हैं ठीक है थीके? तो चलिए देख लेते हैं किसका संबंध रंगमंच से तो अभी आपको ऊपर ही बताया था रंगमंडल का जो संबंध है वो रंगमंच से है ठीक है अब ये ऊपर का पूरा का पूरा हमने नीचे यहाँ पर भी लिख दिया है तो भारत भवन की पांच अंग है इनमें से रूपंकर जो है ललित कला संग्रहालय है रंगमंडल का संबंध रंगमंच से है वागार्थ कविताओं का केंद्र है अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है जबकि छवि सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के केंद्र है अब आप आगे याद रखना इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो भारत भवन की तरफ गया है तो भारत भवन के पाँचों अंग पूछे जाएंगे चाहे तो नोट करके आप याद कर लीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए अब एक प्रश्न आपका साइंस का है इसके बीज का संबंध शरीर के किस हिस्से से है तो याद रखना जो इसके बीज है वो त्वचा संबंधी एक रोग होता है ठीक है ऑप्शन में त्वचा दिया भी था देखिए तो त्वचा से संबंधित कई प्रकार के रोगों और संक्रमण हैं जिनमें से इसके बीज भी जो है एक प्रकार का रोग होता है जो एक परजीवी के कारण होता है किसकी वजह से तो एक परजीवी यानी कि पैरासाइट की, की वजह से होता है यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी आसानी से और तेजी से फैल जाता है तो याद रखना इसके बीज जो है वो आपका त्वचा संबंधी रोग है चलिए भरत कोट्टम कहाँ का लोक नृत्य है अब यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो गए कि भरत कोट्टम क्या होता है तो भाई भरतनाट्यम का ही दूसरा नाम भरत कोट्टम है आपको याद रखना है तो भरत कोट्टम या फिर भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है तो देख लेते हैं भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु राज्य में सैकड़ों साल पहले हुई थी ठीक है यह नृत्य रूप यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है प्राचीन तमिल महाकाव्य शिपलीपातकार में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया ठीक है भरतनाट्यम को ही भरत भी कहते हैं अब देखिए शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है और शास्त्रीय नृत्य के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं तो सर्च कर लेना शास्त्रीय नृत्य बाई सक्सेस जंक्शन तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी या फिर आप हमारे कम्युनिटी कम्युनिटी पोस्ट में ऊपर जाकर के देख लेना वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी या टेलीग्राम चैनल पर थोड़ा सा स्क्रोल करके आप ऊपर देख लेना सक्सेस जंक्शन में वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी शास्त्रीय नृत्य के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं ट्रिक से आपको याद करा है वो याद करके जाइए वहाँ से आपका एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये आपके थर्ड शिफ्ट के प्रश्न थे कुछ हमको सेकंड शिफ्ट के प्रश्न मिले थे जो हम वीडियो बना चुके थे उसके बाद में प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं सिद्धार्थ जी ने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को भेजा था आपको बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है थोड़ा सा हम लेट हो गए थे सिद्धार्थ जी जी प्रश्न भेजने में तब तक हम वीडियो बना चुके थे लेकिन इस शिफ्ट में हम उस शिफ्ट के कुछ प्रश्नों को कवर कर लेते हैं जो छूट गए थे देखिए सेकंड से पूछा था चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था देख लीजिए चौथी बौद्ध परिषद यह कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में याद रखना किसने करवाई थी तो कनिष्क ने करवाई थी कुंडलवन कश्मीर में या उसके निकट माना जाता है कश्मीर में बहत्तर ईस्वी में आयोजित किया गया था और इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष का नाम याद रखना वसुमित्र अध्यक्ष थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्घोष थे ये दोनों आपसे पूछा जाएगा क्योंकि अभी द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो अध्यक्ष पूछा गया था तो आपको अध्यक्ष भी याद रखना राजा भी याद रखना है कहाँ पर हुई थी वो भी आपको याद रखना है उपाध्यक्ष भी आपको याद रखना है चारों बौद्ध संगीति का ठीक है चलिए करंट का प्रश्न आया था पुष्प कुमार दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड दोबारा इरिलेक्ट हुए हैं ठीक है चलिए देखिए पुष्प कमल दहल जिन्हें जिन्हें नेपाली राजनीति में प्रचंड नाम से संबोधित किया जाता है वह नेपाल के प्रधानमंत्री थे दिसंबर 2022 में दूसरी बार इस पद पर आसीन हुए हैं वे नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सशस्त्र अंग हैं और जनमुक्ति सेना के शीर्ष अधिकारी भी हैं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं प्लैंड इकॉनमी फॉर इंडिया ये किसकी पुस्तक है सेकंड में पूछा गया था सही आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया ठीक है देखिए एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित पुस्तक प्लांट इकॉनमी फॉर इंडिया भारत में आर्थिक नियोजन शुरू करने का प्रयास एक प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनीतिक एम विश्वेश्वरैया ने उन्नीस में कौन कब लिखी गई थी 1934 में प्लान इकोनमी फॉर इंडिया के माध्यम से इन्होंने बताया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है सही आंसर हो जाएगा बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक आइए कुछ जानकारी आपको बता देते हैं देखिए त्रिपिटक जिसे पाली में त्रिपिटक कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारी यह प्रश्न एक बार एम में पूछा गया था कि त्रिपिटक का अर्थ क्या है तो तीन टोकरी या फिर तीन पिटारी त्रिपिटक का अर्थ होता है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान थेरवाद वज्रयान और जितने ही बौद्ध संप्रदाय हैं वो सब लोग इसे मानते हैं या बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसे भगवान बुद्ध के उपदेश ये प्रश्न पूछा गया था भगवान बुद्ध के उपदेश किसम किसमें जो है संग्रहित हैं तो त्रिपिटक में क्या संग्रहित है भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो त्रिपिटक में संग्रहित हैं ये भी आपको याद रखना ठीक है यह ग्रंथ जो है पाली भाषा में ये भी आपको याद रखना किस भाषा में लिखा गया है तो पाली भाषा में लिखा गया है तीन चार प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होगा एक ही प्रश्न है यही फायदा है कि हम जब डिटेल में जानकारी देते हैं तो एक ही प्रश्न से आपके तीन चार प्रश्न क्लियर हो जाते हैं यही प्रश्न आपके एग्जाम में आगे पूछे जाते हैं ठीक है ना इसीलिए कहते हैं वीडियो को अंत तक देखा करिए और शेयर जरूर कर दीजिए इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करना ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कोई अच्छा सा तो बहुत अच्छी बात रहेगी चलिए अगला प्रश्न है करंट अफेयर का है मेलकम आदिशिया पुरस्कार दो हजार तेईस दिया गया बिल्कुल अप्रैल दो हजार तेईस का करंट अफेयर ठीक है सेकंड में पूछा था सही आंसर हो जाएगा उत्साह पटनाक उत्सव पटनाय को यह पुरस्कार दिया गया कब दिया गया तो सत्रह अप्रैल दो हजार तेईस को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक को 2023 हजार तेईस मेलकम आदिशिया पुरस्कार से नवाजा गया ठीक है यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिसिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है इसका नाम भी आपको याद रखना है ठीक है 17 अप्रैल 2023 का यह करंट अफेयर का प्रश्न है यानी करंट अफेयर के दो से तीन या फिर किसकी किसी किसी सिफ्ट में छह से सात प्रश्न भी करंट अफेयर के आ रहे हैं तो कल आपको जनवरी फरवरी की करंट अफेयर सुबह ही देखने को मिल जाएगी ठीक है देख करके जाना ठीक है चलिए बाकी यहाँ पर वही डिटेल दी गई इसको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है चलिए अब सीधे हम बात करते हैं हिंदी की ठीक है तो हिंदी में आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे तो इसमें पूछा गया था संधि दी हुई थी चार इनमें पूछा गया था इनमें से कौन सा अलग है व्यंजन स्वर विसर्ग आयादि इनमें से कौन सी संधि अलग है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला पूछा था रस कितने प्रकार के होते हैं यह आपसे पूछा था राक्षस का पर्यायवाची पूछा गया था रजनीचर ऑप्शन में था यही आपका आंसर भी हो जाएगा अलंकार का पर्यायवाची क्या होता है यह आपसे पूछा गया था उसके बाद में समश्रुति श्रुति भिन्नात्मक जो आपके शब्द होते हैं ना समश्रुति सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है वो आपका पूछा गया था अतिथि से रिलेटेड कोई प्रश्न आपका समश्रुति भिन्नार्थक पूछा गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दो प्रश्न आपके मुहावरे से पूछे गए थे एक प्रश्न आपका समानार्थी का पूछा गया था यानी पर्यावाची एक प्रश्न आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य से पूछा गया था वर्तनी शुद्धि से एक प्रश्न और वाक्यों का क्रम संयोजन यहाँ से भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया था ठीक है चलिए अब सीधे चलते हैं इंग्लिश की ओर इंग्लिश में आपका पी का थोड़ा सा वेटेज कम हो रहा है ठीक है आज तीन प्रश्न आपके पी क्यू आर एस के पूछे गए सेकंड सेट में चार प्रश्न थे सुबह आपके पाँच से छः प्रश्न थे तो पी क्यू आर एस के तीन प्रश्न पूछे गए पी क्यू आर एस की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कीजिए पी क्यू आर एस जंक्शन पटवारी के टाइम पर ही बनाई थी वहीं से इस पर लगातार व्यूज आ रहे हैं लगभग अड़सठ हजार व्यूज अभी तक हो चुके हैं कुछ इस तरह से हमने जो है इसको ट्रिक के द्वारा आपको सॉल्व कराना बताया है मात्र दस मिनट में आप कैसा भी पी क्यू हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो सर्च करके आप उसको जो है देख लेना ठीक है वैसे इस वीडियो को लास्ट में आपको यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट में यहाँ पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी जैसे ये वीडियो खत्म होगी उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं ठीक है ठीके? और अभी जो आपके 25 मई से अब तक जो फर्स्ट फेज़ में आपके एमपी पी पटवारी आपके एमपी पी वनरक्षक के जितने भी प्रश्न आपके जीके जीएस साइंस के पूछे गए हैं उनको लेकर के एक वीडियो हमने बना दी है लगभग उसमें 120 से 130 प्रश्न होंगे जितने अभी तक पूछे गए हैं जीके जीएस साइंस के वो एक साथ में कंपाइल कर दिया तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के अंत में यहीं पर देखने को मिल जाएगी यहीं पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं नहीं तो टेलीग्राम में ऊपर दी गई वहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है कल ही हमने इसको अपलोड किया है ठीक है सारे जितने प्रश्न अभी तक आए हैं उन सबको एक साथ में कंपाइल कर दिया है चलिए उसके बाद बात करते हैं तो वो कैब बहुत अच्छी आ रही है ठीक है आपका एंटोनिम पूछा गया था इगोनी का आपका एंटोनिम पूछा गया था दो प्रश्न आपके नेरेशन के थे दो प्रश्न आपके एक्टिव पैसिव के थे इन दोनों पर भी वीडियो बना चुके हैं हम ट्रिक वाली सर्च कर लेना एक्टिव पैसिव बाय जंक्शन नेरेशन बाई सक्सेस जंक्शन दो वीडियो आ जाएंगी दोनों वीडियो देख करके आपको जाना है ठीक है उसके दो प्रश्न आपके सिनो वो सिनोनिम्स के पूछे गए थे एक प्रश्न आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तीन प्रश्न देखने को मिले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक प्रश्न था जिसमें ब्यूरोकेट आपका पूछा गया था ब्यूरो का वन वर्ड सब्सिट्यूशन मतलब आपको एक लाइन दी गई थी उसने पूछा गया था ब्यूरोकेट का जो है वो लाइन दी गई थी जिसका अर्थ होता है ब्यूरोकेट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मैथ्स में क्या क्या पूछा गया तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से दोपहर वाली शिफ्ट में पांच प्रश्न थे इस शिफ्ट में दो प्रश्न है प्रॉफिट लॉस से सिंप्लीफिकेशन के दो प्रश्न है सीआई का एक प्रश्न पूछा था एक प्रश्न आपका जियोमेट्री से पूछा गया था परसेंटेज से तीन प्रश्न आपको देखने को मिले हैं परसेंटेज का वेटेज बढ़ा है समय दूरी से एक प्रश्न है दो प्रश्न आपका एवरेज से मिला है दो प्रश्न आपके आयु के देखने को मिले हैं एक प्रश्न आपका एल और एस से भी देखने को मिला है और दो प्रश्न आपके नाव एवं धारा से देखने को मिले हैं ठीक है ठीके? तो ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हो गया क्या क्या पूछा गया था टॉप फाइव स्कोर देख लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट स्कोर आज हमको मिला है एट्टी फाइव नंबर देखने को मिला है जिन इनका जो जेल अधीक्षक का एग्जाम था प्रहरीकरण था जेल अधीक्षक का एग्जाम था एट्टी फाइव नंबर इनके भैया के आए हैं ठीक है उसके बाद बहत्तर नंबर सड़सठ नंबर तिरसठ इकसठ और चौवन ये नंबर आज जो है टॉप फाइव स्कोर हमको देखने को मिले हैं हम आपसे बार बार कहते हैं सेकंड अगर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो बिल्कुल देने जाइए क्योंकि थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो है वो काफ़ी सिंपल लेवल का आता है तो आपको देना जरूर जाना ठीक है ना चलिए अब आपको बता दें भाई वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई है देख क्या रहे हो लाइक कर दो भाई अब तो ठीक है और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पर आपको जो है डेली पी डी पर मिल जाएगी इस इस वीडियो की पी डी घंटे बाद इसमें डल जाती है ठीक है कल वाली वीडियो की पी आज आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है बाकी ये हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल है इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है और अब किरण की जो बहुत सारी किताबें है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी ठीक है इंग्लिश की एक वोकेबरी वाली किताब है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ठीक है आपका जो फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी तो इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के उन किताबों को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन आप इसको तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आप इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके जाएंगे ठीक है सब्सक्राइब करके जाइए और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए तो ये चैनल मिल जाएगा यहाँ पर आपको सारी किताबें मिल जाएंगी पाँच सौ छः सौ मेंबर हैं जो कि आप कोई भी प्रश्न अपना पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न का जवाब वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है चलिए अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो याद रखिएगा मेरे भाई इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर भेज देना है एक घंटे के अंदर अपने प्रश्न जरूर भेज देना ठीक है ना अपने नाम के साथ में जिससे कि आपके आपका नाम भी जो है इस वीडियो में लिया जाएगा अब ये वीडियो जैसे समाप्त होने वाली है तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दोनों वीडियो दिखने लगी होंगी एक वीडियो आपको दिख रही होगी जिसमें हमने आपका 25 मई से अब तक के जितने भी साइंस जी के जीएस के प्रश्न है वो कराए हैं एक वीडियो यहाँ पर आपको पी एस वाली दिख रही होगी तो कोई भी वीडियो पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं ठीक है चाहे पी क्यू देख लीजिए पी क्यू एस को आप सर्च करके भी देख सकते हैं और ये वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएगी जी कि ये साइंस वाली जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह सबसे पहले करंट अफेयर उसके बाद में पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस अगर कल पहली शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपको एग्जाम एनालिसिस कराएंगे अगर किसी का कल पहली शिफ्ट में एग्जाम हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना ठीक है चलिए जल्द ही मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद